सिद्धार्थनगर जिला कलेक्ट्रेट में सूत्री मांगों को लेकर प्रधान संगठन ने धरना दिया, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा लागू मनरेगा में नियम से प्रधान संघ से नाराजगी जताई गई और प्रदेश सरकार ने मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियम लागू कर दिया है जिससे इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके। बता दें प्रदेश सरकार ने मनरेगा में मोबाइल से हाजिरी लगाने के लिए आदेश लागू किया जिससे जितने मजदूर काम कर रहे उतना ही भुगतान किया जाए और जितने काम कर रहे उन्हें ही हाजिरी लगाई जाए। लेकिन सरकार के इस नियम से प्रधान संघ नाराज है और सरकार से प्रधान संघ अध्यक्ष पवन मिश्रा ने 25 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम सभा में कराए जा रहे कार्यों में लगने वाले सामग्री की कीमत को बढ़ाया जाए और प्रधानों का मानदेय 25,000 किया जाए। साथ ही मनरेगा में मशीनरी का उपयोग किया जाए जिससे प्रधानों को कार्य करने में सहायता मिलेगी। तो वहीं प्रधान संघ अध्यक्ष पवन मिश्रा ने कहा कि अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानेगी तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद स्तरीय डीएम कार्यालय का घेराव हम लोगों ने किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों में मनरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग की व्यवस्था समाप्त की जाए, बिल्डिंग मटेरियल का मूल्य दुगना हो गया है उसे बढ़ाया जाए, रोजगार सेवकों का तबादला की प्रक्रिया अपनाई जाए, मछली का तालाब हो या कोटे का वितरण हो, पोषाहार का वितरण हो उसमें प्रधान का हस्ताक्षर मस्ट किया जाए, ग्राम पंचायत में तैनात आशा बहु, रोजगार सेवक, कोटेदार और अध्यापक, आंगनबाड़ी, इन सब पद के पेरोल पर ग्राम पंचायत के प्रधान का मोहर लगाया जाए,